तो दोस्तों, क्या सच में मुकेश अंबानी ने दिया पवन सिंह को शादी का न्योता? क्या है पूरा मामला, बताते हैं हम आपको विस्तार में। स्वागत है आपका आकाश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। हम आपको बता दें, पावर स्टार पवन सिंह को मिला है शादी का न्योता। मुकेश अंबानी ने शादी का न्योता भेजा है पवन सिंह को। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक मुकेश अंबानी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश के वीवीआईपी, जितने भी सारे एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, सभी को शादी का न्योता मिला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी शादी का न्योता आया है। और अभी कुछ देर पहले उनके मैनेजर अमित सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि पवन सिंह जी बॉम्बे के लिए निकल चुके हैं। फ्लाइट की फोटो शेयर की है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि हम लोग मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में निकल चुके हैं। और आपको बता दें, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को न्योता नहीं आया है। अक्षरा सिंह को न्योता आया है, तो अक्षरा सिंह का अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि वो जाएंगी या नहीं। और दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी के अगर किंग कोई है तो वो पवन सिंह ही है। और उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब अंबानी का कार्ड आया सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह जी को, तो इससे यह पता चल जाता है कि कोई कुछ भी हो, लेकिन पहले नाम पवन सिंह जी का ही आता है। और दोस्तों, अनंत अंबानी की शादी उनके ही घर एंटीलिया में हो रही, जो कि बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, सभी वीवीआईपी आने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका इस वीडियो पर राय हो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।